का आटा किस तरीके से बना सकते हैं आप लोगों को दिखाएंगे। और इसमें आप चावल कोई भी ले सकते हैं, परमल चावल ले सकते हैं, सादा चावल ले सकते हैं, जो स्टाफ राइस बोलते हैं, प्लेन चावल वाला 20-21 रुपये किलो वाला आप वो भी ले सकते हैं। और ये हमने 1 kg राइस लिया है बासमती टुकड़ी, और दाल ली है 250 ग्राम उड़द की दाल, मेथी दाना 25 ग्राम 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालना है 1 kg में, नत्र कड़वा हो जाएगा हमारा आटा। चने की दाल 100 ग्राम 1 kg में, चावल लिया हमने 1 kg लिया है, और उड़द दाल हमने जो इसमें ली है 200-250 ग्राम ली है, चना दाल 100 ग्राम ली है, मेथी दाना 25 ग्राम लिया है, ये हमारा ये। और ये हम बड़े बॉल में कर लिया इसको, 1-2 पानी से धो लिया है, और इसमें डोसे का बैटर बोलते हैं तो इसको हम पीस लेते हैं, पानी निकल गया हमने पीस लिया, एकदम बारीक पीसना है, बढ़िया बारीक होने चाहिए तो आपके डोसे बहुत बढ़िया बनेंगे। और इसको आप 6 घंटे कम से कम बाहर छोड़ना है ऐसे ही, ताकि ये खट्टा हो जाए तो डोसे आपके बहुत अच्छे बनेंगे। तो आटा पीसने के बाद में 6 घंटे आपको इस तरीके से बाहर छोड़ देना, उसके बाद आपको डोसा बनाना है। और ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा जब आपका अच्छा इसे फूल जाएगा। तो चलिए अब आप लोगों दिखाते हैं इसका आटा सेट करके किस तरीके से सेट करना है आपके लिए आटा, इसमें क्या क्या डालना है डोसा बनाने के लिए। ये आटा जो हमने लिया 1 kg के आसपास होगा पिसा हुआ ये, और जो टोटल आटा बना हुआ जो हमारा टोटल आटा बना है वो बना है 3-3.5 kg बना है। शक्कर लिया हमने 1 टीस्पून शक्कर ली है, पिसी हुई शक्कर का पाउडर था, नमक 1/2 टीस्पून, ये देखिए बेसन 20 ग्राम 1 टेबल स्पून। बेसन से क्या होता है कि कलर बहुत अच्छा आता हो, तो पाप ये डोसे का जो है क्रिस्पीपन बना रहता हो, डोसा चिपकता नहीं है, मेन चीज़ है कि डोसा भट्टी में चिपकेगा नहीं बेसन से। और शक्कर से कलर बहुत अच्छा आता है, और नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, और ये थोड़ा सा पानी डाला, तो पानी से क्या होगा कि हल्का सा पतला कर लेंगे, और हम बना लेते हैं डोसे का मसाला। हमारा बैटर कंप्लीट है, बनाएंगे मसाला, जो डोसे के ऊपर मसाला लगाते हैं वो। आलू हमने लिया 200 ग्राम, इसको मैश कर लेते हैं आलू के लिए। जो हमने भाजी बनाई है वो लिंक दे दी आप लोगों, लिंक दे दूंगा, जाके चेक कर लेना, समर्थ वाले चैनल पर डाली है हमने, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। चटनी सांभर की लिंक आप लोगों को दे दूँगा, जाके चेक कर लेना। ये हमने 60-70 ग्राम जो डोसे की भाजी है वो डाली, और इसको डोसे की भाजी को आप 3-4 दिन फ्रिज में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए हमने तवा सेट कर लिया, और आप लोग डोसा लगा के दिखाते हैं। तो ये देखिए, और ये कपड़े सब साफ कर लेते हैं, और अब हम लगाएंगे डोसा, मसाला डोसा, प्लेन डोसा। जो तवा है आप लोगों बताया था, वो इस तरीके तवा आसानी से मार्केट में मिल जाता है। चलिए इस तरीके से हम डोसा लगा लेंगे, ये देखिए, और ऐसे घुमाना है तो आपका डोसा बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, और घी डालेंगे, ये देखिए कितना प्यारा डोसा बना। तो इस तरीके से इस तवे को आप बनाकर सेट करके इस पे डोसा बना सकते हैं। मसाला लगाएंगे, ये देखिए मसाला लगाया, और ये हमारा डोसा रेडी है। देखिए इस तरीके से हम डोसा बना सकते हैं। उत्पम बनाएंगे हम इस पे, और ये देखिए उत्पम, ऑनियन टमाटो या मसाला आप चाहो तो मिक्स भी बना सकते हो। इस तरीके से इसे उत्पम बना लेंगे, ऑनियन टमाटो कैप्सिकम सब मिक्स है इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से इस कितने बढ़िया डोसा निकला और उत्पम निकलेगा। इस तरीके से लोहे का तवा है जो आप लोगों ने दिखाया, यदि हम बटर डाला तो आप बटर में या घी में ही बनाएं। ये देखिए कितना आसानी से निकल रहा है, ये देखिए, और प्रॉपर गर्म होना चाहिए। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा उत्पम। तो इस तरीके से आप लोग उत्पम बना सकते हैं।
उत्पम बना सकते हैं। और ये देखिए पलटी करा हमने, आसानी से बन रहा उत्पम डोसा। तो इस तरीके से आप लोग तवा को सेट कर सकते हो। और आप लोग बताए मार्केट में मिलता है ये, और ज़्यादा बड़ा दिख रहा बहुत छोटा है, इसमें से आपके सिर्फ दो ही डोसे बन सकते हैं। ये देखिए मसाला डोसा, उत्पम। और चलिए हम आप लोग डोसा भट्टी पे लगा कर दिखाते हैं। अभी हमने उस पर दिखाया था, ये डोसा भट्टी है हमारी, उस पर लगा कर दिखाएंगे। ये देखिए ये डोसा भट्टी पे लगाया हमने। और इस तरीके से डोसा भट्टी पे बना लेंगे हम डोसा। इसकी सबकी लिंक मिल जाएगी आप लोगों के लिए, हमने जो घोल बनाया उसकी लिंक दे देंगे, जाके चेक कर लेना है। उत्पम डाला और जो हमने लोहे का तवा है वो आप लोग मार्केट में ख़रीद सकते हैं, बड़े मिल जाएगा आपके लिए। बहुत छोटे साइज का है, घर के लिए बहुत सही है वो, और बहुत अच्छे डोसे बनते हैं उस पर। उत्पम डोसा आप कुछ भी बना सकते हैं। और ये हमने बनाया मसाला उत्पम, वहाँ पे बनाया था ओनियन टमाटो, यहाँ पे बनाया मसाला, और ये थोड़े से ओनियन टमाटो भी इसमें हमने मिक्स कर दिए। खाने में बहुत टेस्टी लगता है उत्पम ये वाला। और ये हमारा डोसा हो गया, इस पर हम थोड़ा सा घी डाला, घी बटर तेल कुछ भी आप डाल सकते हैं इस पर। और ये हमने मसाला लगाया, ये देखिए, और हमारे डोसा आप ज़्यादा कम कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। और इस जो हमने भाजी बनाई है ये समर्थ चैनल पे अपलोड की है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं डोसा भाजी किस तरीके से बनाई हमने, और डोसे का जो मसाला है वो सर रेडी। ये देखिए इस तरीके से आप लोग उत्पम, ये हमारा उत्पम रेडी और डोसा रेडी है। तब चलिए इस हमारी रेसिपी का आप लोग अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और आप लोगों इसमें हमने डाली है पंजाबी मखनी ग्रेवी, उसकी लिंक दे दूंगा, डोसा भाजी की लिंक दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। और मटका कुल्फी ज़रूर देखना, आधा घंटे में कुल्फी बनाकर खा सकते हैं। और सांभर की लिंक मिल जाएगी, चटनी की लिंक मिल जाएगी, जाके चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस तरीके से आप लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं डोसा उत्पम, और जिसमें काफ़ी आइटम बना सकते हैं। देखिए हमारा डोसा सांभर चटनी के साथ आएँ।